जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? यार उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुझे चाहने वाले मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से ही होंगे। आज हम एक सिंपल सा तरीका यूज़ करने वाले, अपने पिजन को ट्रेन करने वाले, अपनी रूफ का, अपनी छत का किस तरह से ट्रेन किया जाता है अपने मतलब पिजन को, क्योंकि हमने एक बेबी पिजन पकड़ा था लास्ट टाइम, आप लोगों को पता है। तो वो पिजन अब हमारा पक्का हो चुका है, अब उसको ट्रेन करना। उसके हमने पहले तो पर काट दिए थे एक मंथ के लिए, अब उसके न्यू पर आ चुके हैं, उसके खींचे हमने पर और पर जल्दी आ चुके हैं। और आप लोग एक और चीज़ बताता चलूँ कि आप लोग चाहते हैं कि हमारे पिजन के मतलब पर जल्दी से आ जाए, तो अगर आपने उसको कट किया तो आप उसके पर खींच दें, जल्दी पर आ जाते हैं खींचने से। तो चलते हैं अपने बर्ड्स की तरफ, सारा कुछ आप लोगों को बताते हैं किस तरह से अपने बर्ड्स को ट्रेन किया जाता है दोस्तों। चले दोस्तों, वो देख लें जी, सारे हमारा वेट कर रहे हैं किस तरह से। सबसे पहले इधर हमारा दाना पानी, जो सबसे पहला काम पानी है, दाना है, सारा कुछ है। इधर देख लें जी, इनकी डाइट जो होती है आप लोगों को पता ही है इनकी डाइट का दोस्तों। ये छोटे छोटे पीस कर दिए हैं रोटी के, ये दाना, ये पानी, ये जो खाते हैं। उसके बाद ये लव बर्ड्स की भी डाइट पहले से ही रेडी कर देता हूँ मैं, ताकि आजकल मैं अकेला होता हूँ आप लोगों को पता ही है दोस्तों। देख लें जी, ये पहले लव बर्ड्स को डाल देते हैं, ये लव बर्ड देख लें जी, लव बर्ड्स का दाना पानी पहले रखते हैं। ले जी दोस्तों, अब हमारे डक्स की बारी आ चुकी है, अपने डक्स को बाहर निकालते हैं। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। ले जी, यार मुझे हमारा एक चिक्स बीमार लग रहा है, वो वाला, इसे पता नहीं क्या हो गया। मैं इसको ना करता हूँ इसका भी हल। बाकी ये पिजन है, पिजन्स को भी मैं खोल देता हूँ, निकाल देता हूँ बाहर, ताकि ये भी इजी से होकर अपना खा पी लें। ले जी, पिजन्स भी आ चुके हैं, वो चिक्स देख रहे हैं दोस्तों, बीमार लग रहा है, इसको करता हूँ मैं कुछ हल। इसको वो पैनाडोल सिरप होगा वो खिलाता हूँ, उससे ठीक हो जाएगा जल्दी। इधर आ, इसके काम देखने दोस्तों, ये देख लें, ये बेड़ा कर करने के लिए आ गया। ना कर, ये दे दे मुझे। मान खान साहब भी आ चुके हैं दोस्तों, चल मान ये भी से तू सुना दे सारे दोस्तों को। इसके बच्चे किधर हैं? मुझे नहीं पता इसके बच्चे किधर हैं, वो देखिए उसके काम। यार मैं नीचे से वो लेकर आता हूँ, उसको देते हैं, वो देखिए उसकी हालत ख़राब हो रही है, तो मैं नहीं चाहता ये मरे, जल्दी से जल्दी जाते हैं और इसको बचाते हैं। ले दोस्तों, वो चिक्स को देख रहे हैं, चारा कहाँ पर पड़ा हुआ है। ये मैं पैनाडोल सिरप ले आया हूँ बच्चों वाला जो होता छोटा, ये इसको देते हैं, ये मर जाएगा इसको ना देखा तो। इसको पकड़ते हैं फाइनली। यार मैं इसको ना सिरप देकर वीडियो स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ, इसको पकड़ना भी है, सिरप भी देना है, वीडियो भी बनानी, सारा कुछ करना है, तो ये फिर काम ख़राब हो जाएगा। तो मैं इससे अकेले से नहीं होगा, पहले मैं इसको सिरप दे लूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। नहीं जी दोस्तों, इसको मैंने सिरप पिला दी है, कोई दो तीन ड्रॉप्स, बाकी ये मीर ठीक हो जाएगा। मैंने इसको दाने के बाद भी छोड़ दिया, कुछ खा ले, थोड़ा सा खाएगा तो बेहतर हो जाएगा। वैसे बुखार है, गर्मी का बुखार हो जाता है आप लोगों को पता ही है दोस्तों, ये बुखार की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। बाकी ट्राई तो पूरी है कि ये खा पी ले, बेहतर हो जाए। ये ना करो, मेरी दोस्तों देखो अच्छे तरीके से सारे यार अपनी डाइट को खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, माशाल्लाह से प्यारे लग रहे हैं, देख लें जी। ये अब अपने घर को जाना चाहता है, नहीं खाना,
इसको सिरप पिला दिया ये ठीक हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है ये ठीक हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ना ये अभी से चलने लग गया यार, मेडिसिन ने मिनटों में असर कर दिया। ये देखें चलना स्टार्ट हो गया। तो यार दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा था कि अपने वो विजन को ट्रेन करना है अपने रूप पे, मतलब सर पर घूमता फिरता रहे, उड़ता रहे, जहाँ मर्जी जाए वापस सर पर आए। लेकिन वो चिक बीमार हो गया, उसके चक्कर में वो टेंशन में वो नहीं हो सका। टाइम हो गया जाने वाला, क्योंकि थोड़ा बिजी हुई है मंथ, आप लोगों को पता है टाइम हो गया, जाना पड़ेगा मुझे दोस्तों। तो आज के लिए यार बस इतना ही था, मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। बस चिक बीमार हो गया यार, टेंशन में था, वो काम मज़े वाला करने वाला है तो वो बस कल कर लेंगे यार, कोई इशू कल करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दें दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। चल मान चलें, आ जाओ चलें, इनको बंद कर देते हैं।